पेट का फुगारा और उसका मानसिक कनेक्शन, इसके बारे में आज के वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं। काफी लोगों का पेट फूल जाता है, सुबह उठते ही उनका ऐसा ब्लोटिंग रहता है एब्डोमेन, बहुत पेट फुला फुला सा हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि गैसेस पास होंगे तो अच्छा लगेगा, तो कभी गैसेस पास होते हैं, कभी गैसेस पास नहीं होते। या उनको लगता है ऐसा कि ढकार आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो कभी ढकार उनको आती है तो अच्छा भी लगता है और फिर पेट थोड़ा सा उतरने लगता है। उनको ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि थोड़ा भी खा लिया, थोड़ा सा भी खा लिया तो पेट फूल जाता है। तो ये ज़्यादातर एसिडिटी से होता है, हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी यदि है, गैस्ट्राइटिस है मतलब अंदर सूजन आई हुई है और एसिडिटी है, तो उसमें ये पेट का प्रॉब्लम हो सकता है। मगर इसका कारण क्या है? ये कारण एसिडिटी का ये कारण है कि जब जब ये लोगों को जब ये जब पूरा एंडोस्कोपी कर लेते, तपास कर लेते, तो डॉक्टर इतना ही बोलते कि भाई सूजन है और आपको बार बार अंदर सूजन आ रही है। मगर डॉक्टर ये नहीं बोलते कि सूजन क्यों आ रही, मेरा ये कहना है कि सूजन आ रही क्यों है आपको बार बार, ये ऐसा कभी कभी होता क्यों है, या कोई भी दवा लेने के बाद में उससे असर क्यों नहीं होता। यदि सूजन है तो सूजन उतरने की दवाई लिया तो असर क्यों नहीं होता, तो वो भी असर नहीं हो रहा है। ये लोगों को यदि हम डीप में गए, उनका यदि साइको एनालिसिस किया, उनका यदि पूरी हिस्ट्री लिया, तो मालूम ये पड़ता है कि उनको जब जब टेंशन आता है दिमाग के ऊपर, तब तक ये पेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। जब जब टेंशन आता है, मतलब वो टेंशन हो कि इनकम टैक्स भरने का है, बहुत ज़्यादा टैक्स इस बार आ गया वो भरने का है, या GST का नोटिस आ गया, सेल टैक्स का नोटिस आ गया, फिर कोई और शॉप एक्ट का कुछ तो भी तारीख निकल गया, यानी मतलब कंसर्न टू टैक्सेस है, या कोई स्टाफ में कोई अनबन हो गई, किसी झंझट झगड़ा हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, या कोई घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, परेशान हो गया, कोई डेथ हो गया कि किसका, या कोई किसका हार्ट अटैक हो गया, या किसको पेट का प्रॉब्लम होकर उसको कैंसर निकला, ऐसा कुछ हो गया कि इनका पेट का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और ये लोगों को सिर्फ हम यदि टेंशन कम करने की दवाई देते हैं, लाइक अल्प्राजोलाम टाइप या क्लोनेजीपाम, है ना, तो ऐसी दवाई हम जब देते हैं तो उनका काफ़ी उतर जाता है पेट। मगर हम इनको ये बोलते हैं कि भाई ये तो टेम्पररी इलाज है, आप कैसा ये कर सकते हैं कि आपको टेंशन आने के बाद में भी आपका जो पाचन संस्था है वो ठीक रहेगी, रिलैक्स रहेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्रेट कर रहे हैं, मतलब बहुत हाइपर होगी पाचन संस्था, एसिडिटी बहुत हो रही है और इसलिए पेट फूल जाता है। तो उसके लिए साइकोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है, कोई मेडिसिन हम देते हैं जिससे टेंशन कम हो जाता है, साइकोथेरेपी मतलब मानसोपचार करते हैं, और हम सोर्स पे जाते हैं, इसका सोर्स क्या है, मूल कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। और जब वो उसका इलाज हम करते हैं मूल कारण का, और वो कारण जब, या ऐसे कोई कारण टेंशन वाले या स्ट्रेस वाले, उसमें वो कारणों को कैसा पावरफुली डील करे, वो यदि हम ट्रेनिंग उनको देते हैं तो ये प्रॉब्लम निकल जाता है पेट का। तो ये लोगों को आप शेयर करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेसबुक के मतलब ग्रुप के ऊपर करो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दो, ताकि काफ़ी सारे लोग पाचन संस्था की बीमारी के बारे में जो मतलब तकलीफ है उनको काफ़ी सारी राहत मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, खुद आके इलाज कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ जो मनोरुग्ण और व्यसनी लोग हैं वो रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा आके भर्ती होते हैं, उनका इलाज हम कर लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।